तो आ गया रिकॉर्ड नए वीडियो के साथ हुआ पेश। तो गाइस अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अंडरव्यू में भेजा है तो आप लोगों को जो है चैनल सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाना चाहिए। पर अगर आपका चैनल बहुत टाइम से अंडरव्यू में पड़ा हुआ है तो इस वीडियो को एक बार पूरा अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप जो अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, यानी कि अपने चैनल का अंडरव्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देख रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना टेक जूनियर वाला चैनल ओपन कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर अलहमदिल्ला हम लोग का चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चैनल जो है सिर्फ 2 दिन में मोनेटाइज हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर क्या चेंजेस किए थे जिस वजह से मेरा चैनल जो है इतने जल्दी मोनेटाइज हो गया, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले गाइज यहाँ पर मैं आपको जो एक सेकंड चैनल मेरा जो कि मैंने सैंपल के लिए ओपन किया था वो चैनल भी ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये मेरा टेक जूनियर का चैनल है, यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा मोनेटाइजेशन का जो टैब है वो इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेरा सेकंड चैनल है, इस चैनल पर मेरा मोनेटाइज जो है इनेबल नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल जो है चेंज हो चुका है और मेरा मोनेटाइजेशन का जो टैब है वो इनेबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको अभी क्या प्रोसेस करनी है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक देखते रहना। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो बीटा ओपन कर लेना है। यूट्यूब स्टूडियो बीटा ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आना है मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे। मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपका जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम दिखाया जाएगा। और यहाँ पर गाइस अभी मेरे चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो क्राइटेरिया होता है वहाँ तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि मेरा जो एक सैंपल चैनल है मैं आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सेंड फीडबैक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सारी प्रोसेस आप जो अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंक्लूड स्क्रीनशॉट का, आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको जो बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना जो पीछे का बैकग्राउंड है उसे ऐड कर सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के तौर पर। तो यहाँ पर गाइस मैं इतना पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने में मेरा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो क्राइटेरिया है वो दिख जाए। तो यहाँ पर आपको जो 2 ऑप्शन मिलेंगे, येलो और ब्लैक। तो येलो से जो हमारा इशू हम शो कर सकते हैं, और ब्लैक से जो है अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है तो हम जो ब्लैक से इन्फॉर्मेशन हाइड कर सकते। तो आपको सिर्फ येलो का ही यूज़ करना है, और येलो का यूज़ करके यहाँ पर एक जो स्क्वायर बना लेना है जिसमें आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे दिखाई दे। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस ऊपर आपको जो कुछ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है, तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैं आपको जो एक लेटर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपको जो ये लेटर प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने इस लेटर में लिखा है, डियर यूट्यूब टीम, आई हैव कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर पब्लिक वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम एस। अब यहाँ पर मैंने नेम एस के आगे जो स्पेस छोड़ा है वहाँ पर आपको जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है, बट स्टिल माय चैनल इज़ अंडर रिव्यू प्रोसेस फ्रॉम लास्ट। अब उसके बाद मैं वापस से स्पेस छोड़ा है, तो यहाँ पर आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू में कितने दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, जैसे 7 दिन 10 दिन यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने लिखा है, प्लीज़ रिव्यू माई चैनल एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। उसके बाद आपको जो अपने चैनल का नाम और चैनल URL दे देना है। तो इससे गाइस अगर यूट्यूब की टीम को हमारा चैनल चेक करना होगा तो डायरेक्टली हमारे चैनल के लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं कि हमारे चैनल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो लेटर है गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट वहाँ से आप जो कॉपी नहीं कर सकते हो तो बेटर रहेगा कि आप मुझे जो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं वहाँ पर आपको ये लेटर प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस ये था हमारा सबसे पहला तरीका जो कि 100% वर्क करेगा। तो आपको ये भी प्रोसेस करते रहना चाहिए, आपको फीडबैक जो है बार बार सेंड करते रहना है यूट्यूब टीम को। तो यहाँ पर गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस फीडबैक में हमने लिखा क्या था। यहाँ पर मैंने लिखा है कि यूट्यूब टीम, मैंने जो अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है, और मेरा चैनल जो है इतने दिनों से अंडर रिव्यू में है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग चेक करो और मेरे जो है बताओ कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो ये मैंने लेटर में लिख के दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं हमारे सेकंड तरीके की। तो सेकंड तरीके लिए गाइज वापस से आपको आ जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा में। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आ जाना है चैनल पर। चैनल पर आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बेसिक इन्फो, जहाँ पर आपको जो अपने चैनल के कीवर्ड ऐड करने होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैनल के कीवर्ड में कुछ भी ऐड नहीं करते, बट यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी का चैनल है यहाँ पर आपको कैटेगरी के चैनल का कीवर्ड ऐड करना। जैसे मेरा ये जो चैनल है सैंपल के लिए, मैं व्हाट्सअप स्टेटस इस पर अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो कीवर्ड में व्हाट्सअप स्टेटस लिख दिया है। इससे क्या होगा गाइस, यूट्यूब का आइडिया मिल जाएगा कि जो मेरा चैनल है वो किस कैटेगरी पर है। अगर आपका टेक कैटेगरी का है तो यहाँ पर आप जो टेक टेक्नोलॉजी इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कुकिंग का है तो यहाँ पर आप जो कुकिंग के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गाइस नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, तो आपको लोकेशन भी सिलेक्ट कर रखनी है अपनी। आप जो भी कंट्री से हो यहाँ पर आपको जो कंट्री वहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर मैं कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग का, आपको एडवांस सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ पर जो कोपा अपडेट आया था उसको नो सेलेक्ट कर देना। अगर आप बच्चे लोग के लिए वीडियो नहीं बनाते हो, 14+ वीडियो बनाते हो आपको, तो नो पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद गाइस मैं वापस आ जाता हूँ
सेटिंग पे आने के बाद आपको आ जाना अपलोड डिफॉल्ट पे, और अपलोड डिफॉल्ट पे आने के बाद यहाँ पर गाइस आपको आ जाना एडवांस सेटिंग में। जैसे आप जो एडवांस सेटिंग पे आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होता है गाइस यहाँ पे लाइसेंस, तो लाइसेंस में आपको हमेशा जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस इस पर सिलेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कैटेगरी। अब ये कैटेगरी जो है हमारी वीडियो की कैटेगरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो इस चैनल पर व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करता हूँ, तो व्हाट्सअप स्टेटस किस में आ गए, म्यूजिक के कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पर मैंने जो म्यूजिक सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको जो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे लोग जो इसे नन रखते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वीडियो लैंग्वेज, तो आपको वीडियो की जो भी लैंग्वेज है आपको वही लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करनी है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर रखा है, बट मेरी जो वीडियो की लैंग्वेज वो हिंदी है, तो मुझे यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करना होगा। इससे मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको और भी कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसे आपको चेंज नहीं करना है, बस ये तीनों सेटिंग का आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइस ये था हमारा दूसरा तरीका। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरे तरीके के लिए गाइस मैं वापस आ जाऊँ तो YouTube स्टूडियो बीटा में, उसके बाद गाइस आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में कमेंट का ऑप्शन मिलता है, आपको कमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद आपको आ जाना है लाइकली स्पैम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पैम क्या होता है। स्पैम का मतलब होता है गलत कमेंट। तो यहाँ पर अगर आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं स्पैम कमेंट, तो यूट्यूब को लगता है कि आप जो है अपने चैनल पर कुछ स्पैम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, जिस वजह से जो है यूट्यूब आपके चैनल को अंडर रिव्यू में बहुत टाइम तक रख सकता है। फिलहाल यहाँ पे गाइस मेरे चैनल जो इनएक्टिव है, मतलब यहाँ पर मैं कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे जो सिर्फ दो स्पैम है। अगर आपका चैनल एक्टिव है, यहाँ पर आप डेली वीडियो अपलोड करते हो, तो यहाँ पर आप देखना आपके जो 100 से 200 लाइकली स्पैम कमेंट होंगे, तो आपको उन सारे कमेंट को जो डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आपको जो हेल्प फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, उसमें भी कुछ कमेंट होंगे तो आपको उन कमेंट को भी डिलीट कर देना है। तो इससे आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपका अगर चैनल अंडर रिव्यू में फंसा हुआ है, तीनों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका जो चैनल मोनिटाइज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और गाइस आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजोगे तो आपको जो कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहना है। पर डे न्यू वीडियो अपलोड करते थे तो आपको पर डे न्यू वीडियो अपलोड करना है, वीक में एक वीडियो अपलोड करते थे तो वीक में एक वीडियो अपलोड करते रहना है, ताकि यूट्यूब को ऐसा लगे कि हम जो यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं और हम जो यूट्यूब पर हमेशा काम करते रहेंगे। तो गाइस ये तीनों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको 100% आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक बार इन तीनों प्रोसेस को फॉलो जरूर से कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।